नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं ऐसे सेविंग हैक्स जो आपकी सिलाई को आसान और आपको बहुत ही कुशल बना देंगे। जिनमें सबसे पहला है कि वो है फैब्रिक वॉल हैंगिंग्स को बनाना। दोस्तों, आपके पास बहुत सारे रेडीमेड कपड़ों में फोम आती है जिसको हम फेंक देते हैं, लेकिन इस फोम का इस्तेमाल आप इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 8x8 इंच के दो राउंड पीस कट किए और उनके बीच में फोम को डाल दिया और इस तरह से स्टिच कर लेंगे, जिस तरह से आप पायदान वगैरह बनाने के लिए करते हैं। ये स्टिच करने के बाद आप देखिए कितना खूबसूरत वॉल हैंगिंग बना लेते हैं। इसका इस्तेमाल आप अपने सेविंग टूल्स को रखने के लिए कर सकते हैं। इसके साथ ही और भी छोटे छोटे चीज़ें होती है हमारे, उनको भी रखने के लिए कर सकते हैं। जैसे ही हमारा तैयार हो जाएगा, हमें इसके लिए सेकंड पोर्शन तैयार करना है। सेम शेप में हमने काट दिया था इसको राउंड और बीच में डाल दिया था इस फोम को। ऊपर से एक कर्व डाल दिया है छोटा सा, लगभग 2 इंच में। इसको आपको चारों तरफ से शू कर लेना है। सबसे पहले इस तरह से शू करके आप इसको बनाइए। अब इसको आपको जो साइड्स हैं उनको शू करना है, ये वाली साइड। यहाँ पर आपको इस तरह से सीधी लाइंस लगा देनी है, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में लगाई थी वैसी ही लाइन इसमें लगा देनी है। इससे ये बहुत ही अच्छे से अटैच हो जाएंगे। ये आपकी फोम को यूज़ करने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है दोस्तों। और आप इस तरह की हैंगिंग्स जब घर में बनाएंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। अब यहाँ पर हमने 2 इंच चौड़ी एक उरेब यानी कि 22 पट्टी ली है। इसको यहाँ पर रख करके सिलाई करेंगे ताकि ये पोर्शन हमारा कवर हो जाए। सेम वैसे ही आपको शू करना है जैसे हम अपने सूट में, ड्रेसेस में, बैक नेक को शू करते हैं। इस तरह से इसको सील लीजिए। सिलने के बाद इसको आपको दूसरे साइड फोल्ड करके स्टिच लगानी है। एक्स्ट्रा को कट कर देंगे। अब इसको नाखून की मदद से प्रेस करते हुए दूसरी साइड फोल्ड करके यहाँ से बिल्कुल कॉर्नर से होते हुए आपको एक सिलाई लगा देनी है। दोस्तों, आपके लिए बहुत ही इस तरह की अमेजिंग वीडियो हम लाते रहते हैं, तो प्लीज़ आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको दबाकर घंटी वाले बटन को दबाना ना भूलें। इस तरह से देखिए ये पोर्शन हमने कितनी अच्छे से तैयार कर लिया है। अब इसको हमें जो हमने फर्स्ट में राउंड वाला बनाया था उसके ऊपर रख करके इसके चारों तरफ से सिलाई लगा देनी है। दोस्तों, इसका साइज आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। आप छोटे साइज में बना रहे हैं, बच्चों के लिए बना रहे हैं, कोई डेकोरेशन के लिए बना रहे हैं, तो छोटे साइज में बना सकते हैं। और इसको बड़े साइज में चाहिए तो अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आप कितना भी इसको रख सकते हैं। देखिए इस तरह से ये तैयार हो जाएगा। आप दूसरी 22 पट्टी और लेनी है, उसको इस तरह से फोर फोल्ड करके शू कर देना है। सेम वैसे ही जैसे हम नॉर्मल कोई भी पट्टी तैयार करते हैं, वैसे ही इस सिंपल पट्टी को हमने तैयार कर लिया है। अब इसको यहाँ पर यूज़ करेंगे ताकि हम इसको ईजिली हैंग कर सकें। यहाँ से शू करने के बाद अब आपको इसको चारों तरफ से गुम कर देना है, तो उसके लिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे 22 पट्टी का। यहाँ हमने ये पट्टी भी 2 इंच चौड़ी रखी है और इस तरह से रखते हुए इसको चारों तरफ आपको लगा देना है। अगर आपके पास इंटरलॉक मशीन है तो उसकी मदद से भी आप इसको यहाँ पर गुम कर सकते हैं। इस तरह से बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ इसके चारों तरफ इसको लगा लेंगे। इस तरह के हैंगिंग्स आपको मार्केट में कुछ ना कुछ प्राइस देकर तो लेने ही पड़ते हैं, लेकिन घर बैठे आप किसी भी पुराने कपड़े से भी इनको ईजिली बना सकते हैं और बनाने के बाद ये खूबसूरत भी बहुत लगते हैं। इस तरह से पूरे में हमने सिलाई लगा देनी है और इन जॉइंट को ज्वाइन कर देना है। इसके बाद इनको दूसरी तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे और किनारी से सिलाई लगा देंगे। इस पूरे को आपको सील लेना है, फिर देखिए कितना अच्छा ये बन करके तैयार हो जाएगा। देख सकते हैं आप, इस तरह से हम अपने सेविंग टूल्स इसमें इजीली लग सकते हैं और इसको हम हैंग भी कर सकते हैं। कैसा लगा आपको ये ट्रिक, हमें कमेंट में बताना ना भूलें। सेकंड, आप कोस्टर्स भी इसी तरह से बना सकते हैं, लेकिन अब की बार आपको अपने जो फोम थी उसको दोनों ही पोर्शन के नीचे रखना है। पहले वाली वीडियो में हमने दोनों पोर्शन के बीच में रखा था। चारों तरफ से सिलाई लगा करके इस तरह से थोड़ा सा पोर्शन छोड़ देना है, जिससे कि हम पूरे को हम बाहर की तरफ निकाल सकें। अच्छे से सभी चारों तरफ से इसको निकाल लेना है। निकालने के बाद आप देख सकते हैं जो भी हमारा पोर्शन रह गया था इसको हम शू कर लेंगे अंदर की तरफ फोल्ड करके, और ये हमारा एक इजी कोस्टर बन करके तैयार हो जाएगा। आप इसको बहुत ही इजीली यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पॉकेट्स और हैंगिंग्स को बनाने का एक और दूसरा तरीका।
इसके लिए आप जो भी आपने शेप डाली हुई है पॉकेट की, उस पर इस तरह से डबल फोल्ड करके एक पट्टी आपको लगा देनी है। बायस पट्टी यूज़ करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ईजिली हमारी वो दूसरी तरफ मुड़ जाएगी, फोल्ड हो जाएगी, फिनिशिंग अच्छी आएगी। इस तरह से सिलाई लगा करके इसको अटैच कर देना है। एक्स्ट्रा को कट करके अब एक और पोर्शन आपको लेना है, रफ कोई भी आप ले सकते हैं क्योंकि ये श्योर नहीं होगा, और इस तरह से रख कर आपको सिलाई लगा देनी है। ये जो हमने फैब्रिक लिया है कॉटन का लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं क्योंकि ये हमारा बाहर की तरफ श्योर नहीं होगा। इस तरह से सिलाई लगा करके इसको अटैच कर लीजिए। अटैच करने के बाद हमें इस तरह से ये हो जाएगा, तो यहाँ के ऊपर से आप एक और सिलाई लगा सकते हैं इसमें। इसके बाद एक और पोर्शन लेना है जिसके ऊपर आपको इसको रख देना है। अब जो नीचे वाले दो हमारे कपड़े हैं उनको इस तरह से आपको सील देना है, तो ये हमारी अटैच हो जाएगी। पॉकेट बनाने के लिए सेम तरीका रहेगा, और इसी तरह से आप ये हैंगिंग्स भी बना सकते हैं। देखिए कितना ईजी था इसको बनाना। जो नीचे वाला पोर्शन हमने लिया था उसकी जगह अगर आप प्लाजो में लगा रहे हो तो आपका प्लाजो का कपड़ा आ जाएगा। तो देखिए कितनी ईजिली हमने इनको तैयार कर लिया है। अब एक और फैब्रिक इसके ऊपर यहाँ से हम लगा देंगे। अगर आप हैंगिंग्स बना रहे हैं पॉकेट बनाने के लिए, इस तरह इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से सिलाई करके इसको अटैच कर लीजिए, और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये बन करके तैयार हो गया है। आपको ये कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट है आपका जिप सीविंग। आप जिप को किस तरह से शू कर सकते हैं, दो पोर्शन ले लीजिए आपको जहाँ पर भी आपको जिप शू करनी है, और यहाँ पर मार्किंग कर लीजिए अपनी लंबाई के लिए जहाँ तक आपको जिप चाहिए। इस तरह से मार्किंग करने के बाद आपको इसको कंप्लीट को सील देना है। ये जो आपको सिलाई लगानी है वो बड़े टाके वाली यानी कि बड़े नंबर वाली लगानी है, क्योंकि बाद में हमें इसको रिमूव करना है। ये सिलाई लगाने के बाद आप इसको नाखून की मदद से बीच में से प्रेस कर दीजिए ताकि ये अच्छे से तैयार हो जाए, फिर इसके ऊपर हम जिप लगाएंगे। बहुत ही ईजी ट्रिक है ये जिप लगाने का। ये देखिए यहाँ पर हमने मार्किंग की थी, तो यहाँ तक आपको सिलाई इसकी लेनी है। इस तरह से अपने जिप को रख देना है। अब आपको सिलाई लगानी है। इस जिप के लिए आपको सिंगल फुट का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल किसी भी मशीन के फुट से जिप को लगा सकते हैं। अब हम सिलाई लगा देंगे जहाँ से भी हमें कंफर्ट रहे, जहाँ पर आपकी जो फिट है वो कंफर्ट हो। इस तरह से सिलाई लगा दीजिए। जहाँ तक हमने मार्किंग की थी वहाँ से आपको टर्न ले लेना है। यहाँ से टर्न ले लीजिए और ऊपर की तरफ आ जाइए। इस तरह से इसको चारों तरफ से हमने कंप्लीट सील दिया है। दूसरी तरफ से अब आपको इस तरह से इन धागों को निकाल देना है, बीच वाले सिलाई वाले पोर्शन को निकाल देना है। पर ध्यान रखिए हमें पोर्शन को वहीं तक निकालना है जहाँ तक हमें जिप की लंबाई चाहिए थी। वहाँ तक निकालने के बाद आप देख सकते हैं इतने अच्छे से ये जिप ईजली आपका लग करके तैयार हो जाएगा। अच्छी तरह से प्रेस करके इसको सेट कर दीजिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट है हमारी प्लेकेट मेकिंग। इसकी लंबाई आपको अपने अकॉर्डिंग रखनी है, 2, 4, 6 जितना इंच भी आप रखना चाहे रख सकते हैं, और इस तरह से फिर आपको इसको सील देना है। ये जो वाइट पट्टी हमने ली है, कपड़ा लिया है, वो एक्स्ट्रा होता है, जो हमारा अंदर की तरफ फोल्ड होता है वो हमने यहाँ पर लिया है। यहाँ से बीच से सावधानी के साथ कट कर दीजिए। कट करने के बाद इसको अंदर की तरफ हम फोल्ड कर देंगे, कुछ इस तरह से हमारा निकल करके आ जाएगा। इसको अच्छे से प्रेस लगा करके सेट कर दीजिए। ये देखिए तैयार हो चुका है। अब जो दूसरी वाली साइड है यहाँ पर इसको इस तरह से फोल्ड कर दीजिए, और सिर्फ ये वाइट वाला पोर्शन निकालिए और यहाँ से आप सिलाई लगा दीजिए। ये सिलाई लगाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर इजली ये प्लेकेट बन गया है। इसके ऊपर एक और सिलाई आप चाहे तो डाल सकते हो, बटन लगाना चाहे तो बटन भी लगा सकते हो। और ये है हमारी लास्ट परफेक्ट स्लिट को आप किस तरह से बनाएं। कुर्ती में आपको स्लिट बनाने में काफ़ी दिक्कतें आती होंगी, ऐसे बहुत सारे यूजर्स हैं तो उनके लिए ये स्पेशल है। जहाँ पर भी आपको स्लिट बनानी है, चाहे बाजू में आपको डिज़ाइन डालना है, कट डालना है, प्लाजो में कट डालना है, सभी में यही ट्रिक काम आएगी। इस तरह जहाँ तक आपको सीलना है इस तरह से सील लीजिए,
और जहाँ पर आपको स्लिट बनानी है उस पोर्शन को देखिए आपको किस तरह से करना है। इसको इस तरह से बीच में से फोल्ड करके दोनों ही साइड को इस तरह से फोल्ड करना है। देखिए पहले एक साइड को हमें फोल्ड करना है और सिलाई लगानी है बिल्कुल किनारे से। फिर आपको यहाँ से टर्न ले लेना है और जो दूसरी साइड थी इसको भी फोल्ड कर देना है। दोस्तों इस ट्रिक को आप अपने बाजू में कट डालने के लिए, प्लाजो में कट डालने के लिए, आपके सूट की साइड की स्लिट बनाने के लिए किसी भी जगह पर यूज़ कर सकते हो। ये छोटी छोटी बातें हमने आज की वीडियो में आपको बताई। उम्मीद है दोस्तों आपको पसंद आई होगी और आपको आज का कौन सा आइटम पसंद आया हमें कमेंट में बताना ना भूलें। इसके साथ ही दोस्तों वीडियो के नीचे दिए हुए लाल बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।